तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द्वारिका शुगर के स्टॉक के बारे में। द्वारिका शुगर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है, हमको स्टॉक है पहले यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 6.03% की यहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज ये तेज़ी से हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो 97.45 के लेवल पर स्टॉक में एक यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस था, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर आज इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें तो यहाँ से हमारे पास अभी स्टॉक में 99.80 का जो लेवल है ये एज ए नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 104, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 108, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 115, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 121, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 132, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 143 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस। में यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावटी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 97.45 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 93.95, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 88.70 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट अपर सपोर्ट। तो एक स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।